कैमी क्लास ऑनलाइन केमिस्ट्री प्रेजेंटेड बाय नॉलेज इनफिनाइट ऋकेश दुबे। सब्सक्राइब द चैनल गाइस। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मोलार कंडक्टिविटी, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो लैम्डा है ये के बाय सी होता है। के है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एंड सी इज द मोलार कॉन्सेंट्रेशन। लैम्डा इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी, यानी मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिवाइड बाय द मोलार कॉन्सेंट्रेशन। चलिए गाइज इनके यूनिट देखते हैं क्या है। यूनिट्स मोलार कंडक्टिविटी के, के का यूनिट है साइमन पर मीटर एंड कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर मीटर क्यूब। देखिए यहाँ से ये मीटर और ये मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास बचेगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को उसका यूनिट दे दें, साइमन पर मीटर। मोलार कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर मीटर क्यूब एंड मोलार कंडक्टिविटी साइमन मीटर स्क्वायर बाय मोल या 1 बाय ओम्स मीटर स्क्वायर पर मोल। नोट कीजिए सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय कंडक्टेंस। गाइस अगर मुझे सेल कांस्टेंट निकालना है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय कंडक्टेंस करना पड़ेगा। सेल कांस्टेंट का यूनिट है पर मीटर और पर सेंटीमीटर। गाइस मूल कंसेप्ट को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम लिया है, जो कंसिस्ट करता है पावर सप्लाई, जो दो इलेक्ट्रोड हैं जिसके पास, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल कर रहा है। पहला है कार्बन एनोड, ये हमारा पहला इलेक्ट्रोड है जो, एंड सेकेंड है स्टील कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल पे है, कार्बन एनोड पॉजिटिव टर्मिनल पे है। NiCl इलेक्ट्रोलाइट है 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन का। क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा एनोड से एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा कैथोड से। दो इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं। अब कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है पर ग्राम मोल्स में। मोलार कंडक्टिविटी, पहला मोलार कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है लैम्ब्डा से। मोलार कंडक्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितना हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा आयंस का वो उतना ज़्यादा एग्जिबिट करेगा कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टेंस ये पावर होता है करंट कंडक्टिंग सॉल्यूशन ऑफ अ पर ग्राम मोल्स पे। गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसीडर किया है हमने, वेरिएशन ऑफ अ मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद कॉन्सेंट्रेशन। इन अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन रेंज फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसको लोअर कॉन्सेंट्रेशन में लिया है तो वो वेरिएशन शो करेगा, इज गिवन बाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मैंने लोअर कॉन्सेंट्रेशन रेंज में ले लिया है तो कैसे वेरिएशंस दे रहा है, वो हकल ऑन सागर इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस बी बाय सी। लैम्डा तो मोलार कंडक्टिविटी है, हमारा लैम्डा। लैम्डा नॉट एम इज अवर मोलार कंडक्टेंस, हमारा मोलार कंडक्टेंस है लैम्डा नॉट एम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन।
मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन भी है कांस्टेंट, जो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस प्रकार का आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो उस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, तो वो वेरिएशन शो करेगा, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ मोलार कंडक्टिविटी अगेंस्ट अंडर रूट सी। चलिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी का ग्राफ साइड है ये एक्सेस, और ये अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन सी। जो कंडक्टेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा, ये हाई टू लो आएगा, आप देख सकते हैं जिसका मोलार कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है वो वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl, ये शो करेगा आपको एक लीनियर ग्राफ। ओके नाउ अगर मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COH, एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट एक कर्व शेप देता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक लीनियर ग्राफ देता है, यही डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये डिफरेंस क्यों आता है चलिए देखते हैं। इन केस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम इज लोअर ड्यू टू द स्मॉल आयोनाइजेशन, कम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कम आयोनाइजेशन होता है, जिसके वजह से लैम्डा मैक्स कम देता है। लैम्डा मैक्स इंक्रीज शार्पली व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड इन अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन रेंज, बिकॉज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इंक्रीजेस शार्पली। लैम्डा नॉट इंक्रीज होगा डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द आयन इन टू द सोल्यूशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl के पास क्या है, जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो मोर है, यानी मोर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास है लो आयोनाइजेशन। चलिए देखते हैं क्या रिलेशन होता है के एन लैम्डा के बीच में। लैम्डा जो कि हमारा मोलार कंडक्टिविटी है, लैम्डा इज इक्वल टू के इन टू वी, लैम्डा इज इक्वल टू द मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इन टू द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। के इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड सी इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच वन मोल डिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट। ये कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का जिसमें वन मोल डिजॉल्व किया गया है। चलिए गाइस देखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू के इन टू वी, विच इज इक्वल टू 1000 के डिवाइड बाय सी।
एक फार्मूला है, इसका एप्लीकेशन काफ़ी होगा। चलिए इसी फार्मूला के बेस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए प्रॉब्लम शुरू करते हैं। जो मोलार कंडक्टिविटी है 0.05 मोलार्स BaCl2 सॉल्यूशन का एट 25 डिग्री सेल्सियस, वो है 223 पर ओम्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। व्हाट इज़ अ कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी यानी के क्या होगा, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। फार्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 1000 K/C। इसका रीअरेंजमेंट होगा, जो सी रीअरेंज होके यहाँ पे चला जाएगा, लैम्डा इंटू सी इज इक्वल टू 1000/K, और यहाँ पे जो 1000 है वो लैम्डा बाय सी के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी लैम्डा बाय सी डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू कंडक्टिविटी के। चलिए देखते हैं गाइस, गिवन क्या क्या है, हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन और लैम्डा की वैल्यू दी है। लैम्डा इज इक्वल टू 223 एंड कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.05 मोल पर लीटर। इनका एप्लीकेशन करेंगे फार्मूला में। देखिए मैंने सबसे पहले वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली है, के की एंड कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू लिख ली, लैम्डा एंड कॉन्सेंट्रेशन की, ये इनके यूनिट्स हैं पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मोल लीटर पर लीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। चलिए जो कैंसिल होने वाले उनको काट देते हैं, मोल और पर मोल्स कैंसिल, लीटर पर लीटर एंड पर लीटर कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल बाय सेंटीमीटर क्यूब। मेरे पास क्या बचा, आई ओनली रिमेंस विद द 223 मल्टीप्लाई बाय 0.05 डिवाइड बाय 1000 इंटू पर ओम सेंटीमीटर। अगर मैं 223 को 0.05 को डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे 011.15 मिलेगा, डिवाइड बाय 1000 करूँ तो देखिए मुझे 0.01115 पर ओम्स पर सेंटीमीटर आंसर मिलेगा। गाइज ये हमारा फाइनल आंसर है। गाइज कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे वो भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। नॉलेज इन्फिनाइट रिप्रेजेंटेड बाय गूगल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद।